पाकिस्तान स्पेशलिस्ट अजीत डोभाल खुद जाएंगे रबुपुरा, सीमा से करेंगे मुलाकात, बता देंगे छिपे राज। ये तीन बातें कर रही इशारा। डोभाल की गाड़ी कभी भी पहुंच सकती है ग्रेटर नोएडा, वहां पर बढ़ने लगी है सुरक्षा। इधर एनआईए करवाएगी साइकोलॉजिकल टेस्ट, उधर डायरेक्टर ध्रुव हर्ष कर रहे सीमा पर फिल्म बनाने की तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल किसी वक्त ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उनकी गाड़ी कभी भी रबुपुरा में एंट्री मार सकती है, क्योंकि सीमा का केस 70 दिनों में जितना उलझ चुका है उसे अब डोभाल के अलावा कोई और नहीं सुलझा सकता। डोभाल के रबुपुरा जाने की बात हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा कौन सा तथ्य हमारे पास है, हम वो भी आपको बताते हैं। पहली वजह, रबुपुरा में सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में काफी सख्त हो चुकी है। एनएसए या किसी बड़े अधिकारी के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ाई जाती है। सीमा के आसपास अब हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात हैं, उस पर नजर रखी जा रही है और दिल्ली तक रिपोर्ट आ रही है। दूसरी वजह, यूपी पुलिस के बाद अब यूपीएससी भी इस केस की जांच कर चुकी है, लेकिन जासूसी वाले एंगल पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब रॉ या फिर एनआईए की जांच का विकल्प बसता है, क्योंकि मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है, इसीलिए जांच केंद्रीय एजेंसियां करेंगी और फिर डोभाल की एंट्री तय मानी जा सकती है। तीसरी वजह, एनएससी की एंट्री किसी केस में सीधे तौर पर नहीं होती, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो डोभाल खुद पहुंच जाते हैं। कश्मीर से दिल्ली तक वो खुद ग्राउंड पर गए, लोगों से बात की। अब चूंकि सीमा किसी को कोई राज नहीं बता रही है और डोभाल को बतौर पाकिस्तान स्पेशलिस्ट समझा जाता है, ऐसे में वही सीमा से राज उगलवा सकती है। अब ये डोभाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी अपने तेज सरार दूत को रबुपुरा भेजते हैं या खुद वहां पर जाते हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इस केस में एनआईए की एंट्री होने वाली है। जासूस और आतंकी वाले एंगल की जांच एनआईए करने वाली है, जो सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस बात से हैरान है कि सीमा पर चाहे सवालों की बौछार की जाए या उससे सख्ती से पूछताछ की जाए, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रही है। कुछ सवालों पर वो रोई भी, लेकिन तुरंत ही अगले पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनोविज्ञान के जानकार बताते हैं, ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति को कोई खास ट्रेनिंग दी गई हो। तो क्या सीमा स्पेशल ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान आई है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, जिसका जवाब खंगालने के लिए अब एनआईए और रॉ के अधिकारियों को भी डोभाल की मदद लेनी चाहिए। हालांकि सीमा पर उठ रहे सवालों के बीच बॉलीवुड अलग ही तैयारी में है। बॉलीवुड डायरेक्टर ध्रुव हर्ष बताते हैं, सीमा और सचिन की प्यार की कहानी जैसी सुनाई जा रही है, उस पर कई कलाकारों की नजर है। मैं भी इसे फिल्मी नजरिए से देख रहा हूं। आने वाले दिनों में इस पर फिल्म आ सकती है। मतलब सीमा सचिन की प्यार कहानी अब फिल्मी पर्दे पर दिखाई जाने वाली है, जिसमें ये सवाल सबसे बड़ा होगा कि सीमा का किरदार कौन निभाएगा, और गदर की सकीना जैसे फेमस हुई, क्या सीमा का किरदार भी उतना ही फेमस हो पाएगा? अगर सीमा पर मूवी बनती है तो ये अपनी तरह की एक अनोखी मूवी होगी, क्योंकि अब तक हमने सनी देओल को ही सकीना के लिए पाकिस्तान जाते देखा है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई हसीना उठकर हिंदुस्तान चली आए। पर हर हिंदुस्तानी के लिए फिल्म से ज्यादा जरूरी सीमा का सच पता करना है। 15 अगस्त में अब एक महीने का वक्त नहीं बचा है, क्योंकि सीमा दिल्ली के नजदीक है, उस पर जासूस होने का शक है। तो क्या उसके साथ कोई और भी आया है? उसी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जांच की दिशा और असल कहानी काफी अलग हो जाती है।